सूरज और टांग मिलाकर एक लड़के का नाम बनाओ। सूरज और टांग मिलाकर आज नया खेल है बिल्कुल। अगर तुमने बना दिया 10,000 का इनाम है। 10,000 रुपए इनाम और एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए बस। सूरज में टांग कैसे जुड़ जाएगी? ये तो कलाकार 10,000 किस बात के? एक मिनट मेरे 10,000 रुपीज। अरे मुझे डर है कहीं ना कर दे यार। लो अच्छा तुम्हें डर है? अरे अच्छा इतना आसान समझ रहे? इतना आसान है मना ये भैया। अरे देख लें भाई क्या कर रहे हैं। देखते हैं कितने बड़े कलाकार हैं भाई साहब हमारे। सूरज आप पूरा करो। सूरज टांग वाला करा आपने? बाकी मैं बोल रहा हूँ सूरज टांग वाला। सूरज टांग वाला पैसा फालतू हमें देने के लिए क्या बात? फालतू नहीं है 10,000 चाहिए। अरे ऐसे 10,000 मिल जाएंगे तुम्हें? भैया क्या बनाया उन्होंने? नाम बन गया ना ये तो। ये क्या बना? खाली नाम लिख दिया यार। ये तो सूरज लिख दिया आपने। और ये भी लिखूं टांग वाला? सूरज टांग वाला हाँ। जो तुम्हें सही लगा वो लिखो, वो तो फायदा तो मैं करूंगा। टांग वाला हो गया। ये मैं थोड़ी बताऊंगा तुम्हें क्या लिखना है। लो जी मुझे तो दोनों मिला के नाम चाहिए। टांग ये फैसला तो आपको करना है भैया। अरे ये हुआ टांग भाई। लो लो सूरज टांग वाला इससे बेहतर तो ये कहते ना सूरज टांगे वाला तो ज्यादा अच्छा लगता कि मैं मर्द टांगे वाला। आप करोगे भैया? नहीं हुआ भाई तो अरे क्या ऐसे क्या 10,000 रुपए ऐसे समझ रहे हो? इतना सारा काम है लेकिन बेटा आज मैं करके देखूंगा पहले। चलो तुम ही करो पहले। करो भैया अगर समझ में आए फिर समझाऊं ना। भाई साहब आ रहे हैं समझ में? आ रहे हैं समझ में। करो भैया फिर। ये है भाई साहब इसका नाम। लो जी भाई हो गया दे 10,000 रुपए भाई साहब। क्या भैया देखो भाई साहब पढ़ गया इतना पढ़ गया ना ये सन लैग। हाँ? तो ये क्या हुआ उनकी तो उन्होंने हिंदी में बोला आपने इंग्लिश में कर दिया। वैसे मुझे जरूरत ऐसे लोगों की है। इतना ही पता ऐसे लोग आते ना मेरा काम तो बनता रहेगा। इतना ही मालूम है तो भाई 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 तो हिंदी में करा सूरज टांग वाला आपने इंग्लिश में बराबर करके आप दिखा दो। ये सब इसका बराबर हो गई ना। ये जवाब ही नहीं है इसका। ये भी नहीं है। अरे ये जवाब तुम्हारे भी नहीं। अरे नाम तो बना ये लड़के का नाम है सूरज टांग वाला। वो नाम होता है भाई साहब। हाँ कर बेटा करिए। तुम करो बेटा। हाँ करिए जरा। लो तुम भी करो। फीस भी दो ना। फीस मत दो बच्चों फीस ना लेते हम। बच्चों फीस ना लेते हैं बड़ों को काट रहा। कैसी लिखो बेटा जैसे तुम्हें समझ में आ रहे हो शॉर्ट में लिखो लॉन्ग में लिखो जो तुम्हें अच्छा लगे। लो जी सूरज टांग कैसे बनेगी भाई? टांग कैसे बनेगी? कैसे बना? चलो हम टांग मांग लेंगे तुम तो मान लेंगे तुम बना दो कैसी बना दो। चलो भाई इनके हिसाब से टांग है। है बेटा तुमने ये तो चलो कलाकारी दिखाई सूरज सेम उतार दिया लेकिन ये क्या बनाया टांग मतलब ये तो सेम कुछ सेम वही हो गया ना। तो इसे क्या पढ़ोगे? अब इससे आप नाम नाम बनाओ ना। इससे नाम इसे क्या पढ़ोगे? इसे क्या पढ़ेंगे? ये सूरज है टांग तो भाई से वैसा लग रहा है इसका कोई हल ही नहीं है। ऐसी कोई पहली नहीं पूछता हूँ मैं भैया। इसका हल नहीं कोई हल नहीं है। ऐसी कोई पहली नहीं पूछता हूँ। खड़े हो गए अगर है इसका हल तो हमें करके दिखाओ ना तो हमारे पैसे वापसी चाहिए। हमें तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहा हूँ। हमें जो है हमारे पैसे वापसी चाहिए भाई साहब। अगर ना बना मुझसे ना बना तो अगर मुझसे ना बना ना तुम्हारे पैसों साथ ही 10,000 रुपए देकर जाऊंगा। हमें तो पता चले क्या है इसका नाम। सूरज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये तो हमने भी लिखा था। घुटने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये घुटना नी। ये हो गया भैया। वैसे तो बनाइए ऐसे लेकिन इसे जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं सन्नी। सन्नी समझ गए भाई साहब? सन्नी ये हो गया नी। ये पकड़े हुए टांग घुटना है इसके घुटने में दर्द है। सन्नी देवल हमने घुटना ही दिखाया है। आप समझ नहीं पाए 10,000 रुपए इसी बात के थे। घुटना लगाते ना तुमने तो पूरा चित्र लगा रख दिया। हाथ पकड़े हुए है ना हाथों से दोनों घुटना। वो दोनों घुटना पकड़े हुए है ना हाथों से हाथों से घुटना मतलब हर पहेली में सस्पेंस जरूर लेके आओगे। तो 10,000 रुपए किस बात के? 10,000 रुपए 100 रुपए 100 रुपए देगा कोई अगर सादा लिख देगा तो आपको मैं 10,000 रुपए तो हमें अच्छा लगा। 100 रुपए तो गए हम जो सीख गए। दिमाग लड़ाओ हम आगे चीज से कमा लेंगे। ये दिमाग अच्छा तुम भी कमाओगे ऐसे ही मैं पता चल गया हमें 100 रुपए तो गए आगे हम और कमा लेंगे। कमाने जाओ ना सही है गड्डी लेके जाना कभी कभी देने पड़ जाते हैं। ठीक है कोई बात ना भाई आसान नहीं है ना।